संजय भैया दरबार में उपस्थित हो चुके हैं। भाई हमारे बड़े भैया संजय भैया के साथ कौन कौन भजनों की गंगा में डुबकी लगाएगा? एक जयकार बोल खाटू नरेश की। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। प्रेमियों आज जितने भी पदयात्री हमारे हैं सबसे कम हाजिरी आज दरबार में है, क्योंकि आज सब इतने थके हुए हैं कि सबको किसी को होश नहीं। सच बताऊं तो हम लोग भी चूंकि बाबा आया है और हाजिरी लगानी है इस बोलकर बाबा ही लेकर आया, बाकी लोगों को परेशान नहीं किया, क्योंकि आज मौसम अचानक बदल गया। सुबह जब चले थे तो इतनी तेज गर्मी थी और अचानक बारिश के कारण नीचे लगा कि 10-20 लोग मुश्किल से मिलेंगे, बाबा बैठकर ही कीर्तन करेंगे, लेकिन आप सबों के भावों को देखते हुए हम नतमस्तक हैं। इस कंडीशन में भी, इतनी ठंड में भी आप पूरे ताकत के साथ जुटे हुए हैं, बाबा आप पर ऐसी कृपा बनाए रखे। एक ही निवेदन करूंगा, ये कोई शहर में कीर्तन नहीं है, किसी रिश्तेदार के घर में कीर्तन नहीं है, बिल्कुल जंगल में मंगल बाबा ने बना रखा है। और इस जगह पर मैं समझता हूं कि पहले कभी कीर्तन हुआ भी नहीं होगा। आप लोग अपने अपने घरों से जिस आशा के साथ आए हैं, 2-3 भजन करेंगे और दिल से मेरे साथ वो भजन गाइएगा। हम बाबा से कल सुबह जब चलेंगे तो अरदास लगाएंगे कि बाबा कल रात को जो भी कीर्तन में बैठा उसके काम, जो सोच कर आया वो काम बना देना। लेकिन आपको भजन सुनाना पड़ेगा, एक काम आपको करना पड़ेगा। देखो मैंने पहले भी कल भी बताया कि सब कुछ ये करता है, ये सिर्फ भजन गा नहीं सकता, ये भजन सुन सकता है और सुनकर काम बनाता है, गाने का काम हमको करना है। और इतिहास उठाकर देख लो, जिस जिसने भजन गाया उसका नाम इतिहास में अमर कर दिया, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो कर्माबाई हो, चाहे वो नरसी भगत हो, है ना। आई
इसलिए आए हैं आप लोग और हम लोग इस भजन में आपके तरफ से और मेरी तरफ से गा रहे कि बाबा हम शरण में आए हैं। क्यों आए हैं? हम तो आए शरण में तुम्हारी, लाज हाथों में तेरे हमारी। बोली हम तो आए शरण में तुम्हारी, लाज हाथों में तेरे हमारी। हमको तुम पे भरोसा अटल है, हमको तुम पे भरोसा अटल है। तुम संभालोगे हमको मुरारी। सही है, सही है। आपके दिल की बात है, शरण में हैं आप, तो आइए मिलकर मीठी मीठी तालियां बजाकर बोलेंगे हम तो आए शरण में तुम्हारी।
लेकिन इसको
उस मर्सिडीज वाले सेठ की श्रेणी में हाथ रखा, उस मर्सिडीज वाले सेठ को दया नहीं आती, उसको आती है। और जब ये कृपा करता है ना, तो कृपा करने से पहले ये नहीं देखता कि मुझे पुकारने वाला कौन है, पैसे वाला है या फकीर है। ये पुकार सुनने से पहले नोटों का बैलेंस नहीं देखता, भावों का बैलेंस देखता है, किसके दिल की तिजोरी में कितना भाव कैद है। इसलिए अगर आपके पास भाव है तो इसके लिए कसम से सब हाथ छोड़ देगा, आपका हाथ पकड़ लेगा। एक बार हाथ उठा लेना पूरे पूरे और मिलकर तालियां बजाकर मेरे साथ जोरदार आवाज में गाना, हम तो आए शरण में तुम्हारी, लाज हाथों में तेरे हमारी। बोलो बोलो बोलो, हम तो आए शरण में तुम्हारी, लाज हाथों में तेरे हमारी। हमको तुम पे भरोसा अटल है, हमको तुम पे भरोसा अटल है। तुम संभालो ये हम आज, हाथों में तेरे हमारी। बोलिए हारे के भजन अच्छा नहीं लगा? खाली मेरे लिए क्यों बजाओ? भजन अच्छा लगे ना तो जयकार जोर लगाओ, हारे के सहारे के। मैंने कल भी बोला, परसों भी बोला कि हम ढंग से एक रिश्ता भी नहीं निभा पाते, और ये सारे रिश्ते निभाने को तैयार हो जाता है। एक बात बोलूं प्रेमी, भजन से थोड़ा हटकर बोल रहा हूं, क्यों अकेला रहना चाहते हैं आजकल हम? क्यों शादी होते ही वही भाई दुश्मन लगने नजर आते हैं? आजकल तो 50 साल पहले 4 बच्चे होते थे, 20-25 साल से 2 पर आ गए, और आजकल तो 1 से आगे कोई करता नहीं है। 1 बच्चे, मियां बीवी 1 बच्चा। अगर रात को किसी को कोई परेशानी हो जाए, पड़ोसी का दरवाजा खटखटाना मंजूर है कि अस्पताल ले चल, लेकिन सगा भाई मंजूर नहीं। और खुदा ना खास्ता कोई सलट जाए और बच्चा छोटा है, तो उस समय हाथ पसारना इससे अच्छा, अगर 4 भाई हो, 2 भाई हो, अगर मिलकर परिवार में रहे तो कम से कम ये चिंता तो नहीं है कि हमारे पीछे कोई नहीं है। जिंदगी का भरोसा ही क्या है? मुझे पता है ये बातें इस कान से सुनोगे इस कान से निकाल दोगे, लेकिन मैं वही बोलता हूं कम से कम इस मामले में कि मैंने वो किया है। हम भी 2 भाई हैं बाबा की कृपा से, माता पिता का सर पर हाथ है बाबा की कृपा से। जब बाबा ने बड़ा घर दिलवाया, बहुत लोगों ने बोला 2 किचन बनवा लो, भविष्य के अंदर में नहीं पटेगी तो अलग अलग कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, अगर छोटा वाला कुछ बोलेगा ना मैं उसकी बात मान लूंगा, मैं झुक जाऊंगा, रहना हमें दोनों को साथ ही।
प्रेमियों साथ रहने में जो महसूस होता है ना, रोज कुछ ना कुछ ऐसा घटता है कि नजर आता है कि आज अगर वो साथ होते तो शायद कम कम होता। पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, सामने खड़ा हूँ बाबा के, मुझे नहीं पता। एक चीज और कहनी है, किसी बहन के कोई औलाद नहीं हुई, दो चार साल, पांच साल, दस साल, क्यों इंतजार करते हो प्रेमी? अरे अपने बच्चे को तो कुत्ता बिल्ली भी पालते हैं। भगवान को चाहते हो कि भगवान आपके दरवाजे पर खड़ा रहे? मैं बताता हूं, वो काम करके देखो, कभी नहीं जाएगा दरवाजे से। साल दो साल अगर औलाद नहीं होना, इंतजार मत करो, ले आओ एक बच्चा किसी अनाथालय में, जिसको न माँ का प्यार मिला न बाप का प्यार, उसे लाकर उसे प्यार करो। कसम खाटू वाले की, जितना हाथ उसके सिर पर आप फेराओगे उससे दोगुना हाथ मेरा बाबा आपके सिर पर। ये भजन आया शायद इस भजन के लिए कह रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि वो प्यार नहीं दे पाएंगे उस बच्चे को। अरे भाई, तुम उस बच्चे को प्यार नहीं दे पाओगे क्योंकि उसने, उसको तुमने पैदा नहीं किया। इसके पास क्या सोच कर जाते हो कि बाबा तू मेरा पिता है, तू मेरा बाप है, जब तुम उसे प्यार नहीं दे सकते तो ये तुम्हें कैसे प्यार दे सकता है? कोशिश करना माताओं बहन, कोई सुन रहे अगर लाइव, जिस दिन मेरी इस बात को सुनकर किसी बहन ने ये सोचकर कि शायद बाबा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं उसको प्यार करूं जिसे कोई प्यार नहीं करता, तो श्याम की कृपा साक्षात बरसने लग जाएगी। आइए इसी से कनेक्ट, इन्हीं दोनों चीज से कनेक्ट जो दो बार बताई, ये भजन है शायद इसीलिए मेरी जुबान से निकला। हो सकता है इन बातों का भी क्रिटिक्स हो जाएगा, फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है, हो सकता है इन बातों पर भी चर्चाएं करने लग जाएंगे, लोगों को तो खाली बैठे होते हैं। लेकिन मुझे किसी चर्चा की कोई परवाह नहीं, मुझे लोग गाली भी दे भी दें कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर मेरे कहने से अगर किसी भी श्याम प्रेमी का कोई काम बन गया तो मैं बाबा को धन्यवाद दूंगा। आइए पग पग पर दिया सहारा, कई रूप में तूने आंख, पग पग पर दिया सहारा, कई रूप में तूने आंख, कभी आया साथी बनकर। पहली बात तो किसके किसके लिए आया वो हाथ उठाना, और जो अभी बुलाना चाहते हैं वो भी हाथ उठाना, और मिलकर तालियां बजाकर क्या बोलना, श्याम आओ श्याम आओ श्याम आओ।
ऐसा भी होता है।
सदार के तू रहना, ओ हारे का साथी है सदार के तू रहना। अगर श्याम से मिला है सिर्फ इतना जान लेने से कि ये हारे का साथी है, नहीं चलेगा ताली बजाओ। हारे का तो साथी है ही, लेकिन उसका हाथ नहीं पकड़ता जो सिर उठा कर आता है। खाटू की सरहद में जो सिर झुका कर आता है, दर्शन करने के बाद जब वो सरहद से वापस जाता है ना, तो मेरा श्याम दुनिया में उसका सिर ऊंचा कर देता है। और खाटू की सरहद में जो सेना तान कर और सिर उठा कर आता है, जब वो खाटू की सरहद से बाहर जाता है, कुछ दिन तो अकड़ रहती है लेकिन उसके बाद नामो निशान नहीं मिल पाता। शाम की कृपा चाहिए तो झुकना पड़ेगा, तालियों बजाकर बोलो ना। ताली तो कीर्तन में बजाना,
मेरे लिए तालियां बजाओगे हाथ दुखने लग जाओगे, शाम के लिए तालियां बजाओगे कष्ट घटने लग जाएगा। जो लिखा होता है ना कर्मों के कारण, पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उस कर्म के हिसाब से किस्मत लिखी जाती है और उतना भोगना पड़ेगा। अगर बुरे कर्म रह गए हैं, अगर बुरे कर्म रह गए हैं शाम को कोई पूछता भाई जब किस्मत का ही मिलेगा तो फिर भगवान को क्यों पूछे। तो प्रेमियों किस्मत में 100 दुख लिखे हैं पर अगर भगवान का ध्यान नहीं किया तो 100 दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रभु का ध्यान आपने किया, बाबा का ध्यान किया तो आपको इस जन्म के अंदर में ऐसे सत्कर्म के राह पर चला देगा कि 100 दुख जो है वो 100 दुख, और इधर अगर आपके 200 अच्छे काम हो गए तो 200 अच्छे काम में से 100 बुरे काम जो पिछले जन्म में किए हैं वो माइनस करने के बाद में यहीं से इसी जन्म में सुखों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाए। भगवान का ध्यान कष्टों को काटता नहीं है, भगवान का ध्यान सत्कर्म पर इतना चला देता है कि सुखों का बैलेंस इतना हैवी हो जाता है कि कष्ट दब जाते हैं और प्रभु कृपा नजर आने लगती है। इसलिए आइए प्रेमियों एक भजन बस मेरी तरफ से और ध्यान से सुनो। खाटू नरेश की, अच्छा एक बार बताओ कि कौन कौन खाटू गया है। खाटू नहीं गए 100%। अच्छा एक बार नीचे करो, जो खाटू कभी नहीं गया वो एक बार है, जो कभी खाटू नहीं गया, जो कभी खाटू नहीं गया, आप लोग खाटू नहीं गए, आप नहीं गए, आप नहीं गए। आंटी जी क्या कर रहे हो, कितनी दूर है बाबा आपसे, 5 घंटे में नहीं लगेंगे, 5 घंटे में 5 जन्म से घर जाएगा। मेरे कहने से एक बार जल्द से जल्द प्रोग्राम बनाओ, है ना, यहाँ बोल दो बाबा को आज कि बाबा अब मुझे बुझाओ, आपको विश्वास दिलाता हूँ बाबा की प्रभु की कृपा आप पर है, सब कुछ है। वहां से आने के बाद आप एक फीलिंग्स देखना, वहां से आने के बाद मन के भाव कैसे बदलते हैं। आइए प्रेमी जो पुराने प्रेमी हैं ये भजन उनके लिए है कि बाबा से मांगा भी तो अगर दौलत मांगी तो समझ लो सबसे बड़ी गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह किया। मांगना तो ये मांगना जो इस भजन में लिखा है, पर अगर मिल गया ना तो अपने आप से बड़ा खुशकिस्मत, आपको दुनिया में कोई नजर नहीं आएगा। बोल साचे दरबार। मेरे दिल में बाबा बस तेरा बसेरा हो, मेरे दिल में बाबा बस तेरा बसेरा हो,
भटकूं नहीं इस जग में, चरणों में ही डेरा हूं। भटकूं नहीं इस जग में, चरणों में ही डेरा हूं। सुनाओगे भजन, गाओगे, तालियां बजाओगे, मेरे साथ एक लाइन गाओगे, उठा लो ना हाथों को, उठा लो पूरे पूरे, और मिलकर जोरदार आवाज में बोलना तालियां बजा कर, क्या मेरे दिल में भजन से मेरे ठाकुर को खाना खिला देना, भोग लगा देना,
गाना और उस भजन को सुनकर उसके साथ साथ गाना और खाना बनाना। कसम से आपके आपके दरवाजे पर शाम आएगा, भोग लगा कर जाएगा। किसका धंधा मंदा है ना, दुकान पर बैठे रहते व्यापारी नहीं आता, बताने दो वो व्यापारी आएगा। वो व्यापारी एक दो दिन का खर्चा देकर जाता था, ये 300 पैसे अधिक का खर्चा देकर करके देखो, करके देखो दुकान पर ऑफिस में भजन बैलेंस शीट उठा कर देख लेना साथ ही, कम मिले किसी भी कीर्तन में गला पकड़ कर उतार लेना, 10-20 मार लेना। लेकिन मुझे विश्वास है मेरी लाज नहीं लेने देगा, क्योंकि संतों से सुना है, बुजुर्गों से सुना है, भजनों की पतिया ही मेरा नैन बसेरा हो, भजनों की पतिया ही मेरा नैन बसेरा हो, हटूं नहीं लाज बचाएगा।
खून का रंग बदल सकते हो। इस नालायक के जीवन का रंग भी बदल सकता है। रंग दे जो मुझे रंग दे, रंग मैं नहीं बताऊंगा, रंग दे जो मुझे दुनिया तेरी ऐसी है भटका सफर नहीं है, दुनिया तेरी ऐसी है भटका सफर नहीं है। ये राजस्थान में है ना, हम समझ रहे हैं ना। Yeah.
लगन दिखावे के लगे। ये तब तक अपने हैं जब तक आपके पॉकेट में दाम है। पॉकेट हल्की हुई नहीं, ये भी हल्के होने लगे हैं। इसलिए बाबा मुझे बहुत बहुत आभार आप इस दरबार में पधारे। कल सुबह यहां से 10 बजे 10:30 बजे बाबा का रथ यहां से प्रस्थान करेगा और कल का पड़ाव यहां से 28 किलोमीटर हेलेना एचडी गार्डन है ना, एचडी गार्डन हेलेना पहला मंडल बना है। और सुनो ये भी, क्या पता नहीं कल बाबा पहुंचेंगे और परसों पहला उत्सव होगा बाबा का। आप सबका बहुत बहुत आभार। 28 किलोमीटर है, कल अगर आपको समय मिले जरूर पधारिए। कल 28 किलोमीटर और उसके बाद नेक्स्ट डे महुआ शायद पड़ता है, खंडेलवाल किस ठीक सामने में बाबा का दरबार लगेगा। आप सबों से विनती, अधिकाधिक संख्या में जरूर पधारे। मैं आज इस आईटीआई कॉलेज के जयसिंह आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल श्री मांगीलाल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया एक बार वो दरबार में पधारे। आपने पूरे कॉलेज को श्याममय करने के लिए, आपने बाबा के आगमन के लिए, बाबा के स्वागत के लिए जो तैयारियां भरतपुर वाले सभी श्याम प्रेमियों के साथ जो मिलकर तैयारियों में सहयोग दिया है, इसके एवज में आभार प्रकट करके आपके भावों को छोटा नहीं करूंगा। लेकिन श्री श्याम कला भवन की तरफ से स्वर्ण जयंती उत्सव है, महोत्सव चल रहा है और इसके उपलक्ष में एक शॉल और बाबा का एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे। परम आदरणीय मांगीलाल जी आइए एक बार कृपया दरबार में पधारें। और मैं निवेदन करता हूं हमारे राजा भैया से कि वो शॉल उठाकर और बाबा का ये प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे। सर एक रिक्वेस्ट करूं आपसे,
सर इसको आपके रूम में यहाँ पर बहुत बहुत आभार, आपने जो इतना मान इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत आभार। अब बाबा की आरती। सब बैठे, देखो मेरे पास बैठ कर कल भी बहुत से लोग खड़े हुए, नहीं बैठ कर आरती करो, आराम से करो, दिखावे की दरकार नहीं। भजन के, भजन के लिए, प्रभु का गुणगान के लिए ना गिनती की दरकार, ना दिखावे की दरकार, ठीक है ना। बैठ कर Oh,
जोड़ विनती करो जी महाराज की।